एवरी वन गुड इवनिंग वेलकम टू एन अकेडमी नीट हाई गाइज हाई हाउ यू कैसे ऐसा बच्चे दिख रहे हैं सुनाई दे रहे हैं एवरीथिंग विजिबल एंड ऑडिबल हाय 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 गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून जो भी आप कहना चाहें वेलकम गाइज टू अन अकेडमी नीट एंड वेलकम टू द फर्स्ट डे ऑफ आवर कम्प्लीशन ऑफ दिसम्बर टारगेट आप जानते हैं कि यार हमारा दिसंबर का एक हमने कल मंथली टारगेट लिया था हमने एक वाउच लिया था एक वाव लिया था कि हम इस मंथ में अपना वेटेज के अकॉर्डिंग 50 परसेंट पोर्शन जो है वो हम कवर करने वाले हैं आई होप यू रिमेंबर दैट जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं हमारा दिसंबर का टारगेट है कि हमने ह्यूमन फिजियो खत्म करनी है हमने जेनेटिक्स uh,

एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल किंगडम जो आपको लगती हैं बहुत ज्यादा टफ ऑल द with वी आर गोइंग टू डिस्कस की एक नहीं बेटा तीन तीन चार चार ट्रिक्स है मेरे पास आज मैं सारे राज खोल दूंगी वैसे मैंने आज से पहले कभी बताया नहीं है ये चीजें बट ये आई एम गोइंग टू स्पेल ऑल द बीन्स टूडे एट फोर थर्टी पी एम इट्स अ फ्री क्लास इट्स अनअकैडमी ऐप फटाफट से यहाँ पर क्लिक करो एंड उसमें एनरोल कर दो मुझे सारे के सारे बच्चे वहां पर चाहिए ही चाहिए अगर तुम चाहते हो कि एनिमल किंगडम तुम्हारी टिप्स पे हो जाए तो ये क्लास लगानी मस्ट एंड मस्ट है ठीक है चलिए आ जाइए तो जो बच्चे मुझे नहीं जानते माय नेम इज सी पाउजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एक्सपर्ट विद विदैडमी नी आप एवरी डे मेरे सेशंस देख सकते हो यूट्यूब पर टाइमिंग्स क्या रहते हैं अपने तीन बजे के टाइमिंग्स रहते हैं देन बेटा यू कैन अटेंड ऑल माय स्पेशल क्लासेस जैसे आज हम टिप्स एंड ट्रिक्स वाली स्पेशल क्लास कर रहे हैं कल हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे परसों हम पेडिग्री एनालिसिस करेंगे उससे अगले दिन हम फिंगर करेंगे सारे टफ टॉपिक्स विद ट्रिक्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ अपनी एवरी वाली

प्लस के साथ साथ अगर आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लानर चाहिए गाइडेंस चाहिए टेस्ट का एनालिसिस चाहिए स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी चाहिए हमारे साथ काउंसलिंग की एक्सक्लूसिव वर्कशॉप्स चाहिए मेरी वन टू वन मेंटोरशिप चाहिए देन यू शुड गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ठीक है अभी कुछ ही समय में प्राइस हाइक हो जाएगा वो मैं तो बता ही रही हूँ होने ही वाला है जस्ट पोस्टपोन किया गया है फॉर फ्यू डेज ऑन ह्यूज रिक्वेस्ट तो आई वांट कि आप ओल्ड प्राइसेस पर ऑफ ले लें रादर देन गोइंग फॉर द न्यू प्राइसेस वेट करोगे तो बेटा हर दिन हर दिन ना आपका बीतता जाता है बिकॉज मैं आपको बताऊँ टुमोरो इज टमोरो इज बेटा एट्थ ऑफ डिसम्बर आप देख रहे हो एट्थ ऑफ दिसम्बर को नया बैच स्टार्ट हो रहा है कल नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ जोश बैच है नाम तो बैच के लिए सब बच्चे एनरोल कर ले इट इज स्टार्टिंग टूमोरो और मेरी एवरी डे वहां पर क्लास होगी क्लास का टाइमिंग रहेगा बारह बजे एक बैच में स्टार्ट कर रही हूँ फिफ्टींथ ऑफ डिसम्बर को देख रहे हैं निश्चय बैच इसमें भी फ्रेश क्लासेस हैं सिक्स मंथ्स में कंप्लीशन का हमारा प्लान है तो इसमें भी आप लोग इसी कोड से एक ही सब्सक्रिप्शन से देख पाओगे देखो ये तो मैंने तुम्हें दो बैचेस के नाम दिए जिसमें मैं खुद पढ़ा रही हूँ जोश एंड निश्चय ठीक है जोश तो कल ही स्टार्ट हो रहा है तो आज लोगे तो बेटर है हर क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है ओरिएंटेशन क्लास होती है अगर वो ओरिएंटेशन मिस हो गया तो पता ही नहीं चलेगा पूरा साल हमने क्या करना है आने वाले दो महीने हम क्या करने वाले हैं सो so, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ये जरूर याद रखना एंड इसके साथ बेटा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सिर्फ ये दो नहीं देर आर हंड्रेड ऑफ बैचेस रनिंग यू कैन अटेंड एनी बैच अनलिमिटेड टाइम्स अनलिमिटेड एक्सेस है जिससे पढ़ना चाहे उससे पढ़ सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक बैच में नहीं समझ आ रहा दूसरे से भी पढ़ लिया तीसरे से भी पढ़ लिया जो टीचर तुम्हें अच्छा लगे उससे पढ़ सकते हो ये फ्रीडम मैं दावे से कह सकती हूँ आपको और कहीं नहीं मिलता अपार्ट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म ये मेरा दावा है तुम चाहे ढूंढ के बता दो कि ऐसा फ्रीडम आपको कहीं मिलता है नहीं मिलता जिसमें आपके पास चॉइस है यू कैन स्टडी फ्रॉम एनी 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 वन तो सिंस कल बैच हो रहा है तो टुडे इज अ परफेक्ट डे टू गेट योर सेल्फ एनरोट टू ऑन ओल्ड लेस प्राइसेस तो कोड लगा देना बेटा सीप लाइव एंड पहुंच जाना सब्सक्रिप्शन के प्लेटफॉर्म में और मुझे बता भी देना जब आप ले लेंगे तो ठीक है स्टार्ट करें बेटा डिसम्बर टारगेट का फर्स्ट चीज यारे लैग लैग का ना गाना मत गाया करो मेरे आगे मुझे भी क्लास दिखती है मैं अपनी क्लास खुद देखती हूँ येस इट इज इन फ्रंट ऑफ मी आई वॉच माई क्लास साइमल्टेनियसली लाइक यू पीपल सो ये गाना मत गाओ ठीक है कि लैग है मुझे भी दिख रहा है यार इंटरनेट बहुत फास्ट है कमी नहीं है इंटरनेट की कभी कभी हो जाता है बट आज नहीं है यस yes, हाँ जी बॉटनी भी कराएंगे नाइनटीन से शुरू हो रहा है नीट वन वन पे यस yes, हाँ जी स्टार्ट करें केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन सबसे पहले तो बेटा मैं टर्म्स के बारे में बात करूंगी व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आई एम राइटिंग टू वर्ड्स किस किस को साइकिल चलाना आता है मुझे चार्ट सेक्शन में येस करके लिखिए जिस जिसको साइकिल चलाना आता है हाँ जी किस किस को बेटा साइकिल चलाना आता है कमन टेल मी इन सेक्शन हाँ जी साइकिल बाईस दो पहिया वाहन जिसमें तुम स्कूल भी जाते थे पहले कोविड के टाइम के पहले सोसाइटी में भी घुमाते हो गलियों में घूमते हो <coughs> चलाना आता है <coughs> देखा तो होगा नहीं आता कुछ बच्चों को तो बाइक भी चलाना आता है, है ना बाइक भी चलाना आता है चलो देखा तो होगा यार खुद नहीं चलाना आता बड़े भैया की साइकिल के पीछे बैठे हो तुम लोग यस तो साइकिल का साइकिल को चलाना एक बेटा साइकिल का होता है फ्रंट वाली आ, सीट जिस पे मेन ड्राइवर बैठता है फिर पीछे भी जगह होती है जिसमें हम बैग भी रख लेते हैं और किसी को बिठा भी सकते हैं सो so, मान लीजिए आपने अपने पीछे अपने छोटे भाई बहन को बिठा लिया है अब आपका भाई अगर उतरना चाहता है साइकिल से तो वो आप ही को बोलेगा कि भैया साइक ब्रेक लगाइए आई वॉन्ट टू टेक अ ड्रॉप ओवर योर मैं यहाँ उतरना चाहता हूँ है ना या फिर उसको कहीं बहुत जल्दी पहुंचना है तो वो भैया को बोलेगा भैया फटाफट थोड़ा तेज चलाओ यार जल्दी पहुंचना है अगर उसे लगेगा कि तेज चल रहा है तो भैया को बोलेगा भैया थोड़ा सा धीरे चलाओ दैट मीन्स उस साइकिल का जो चलाना और रोकना स्पीड बढ़ाना स्पीड कम करने का जो कंट्रोल है दैट कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ ड्राइवर यस दैट कंट्रोल इज इन द हैंड ऑफ ड्राइवर कंट्रोल किस टाइप का कंट्रोल टू स्टार्ट द साइकिल टू स्टॉप द साइकिल टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द साइकिल एंड टू इंक्रीज द डिक्रीज डिक्रीज द स्पीड ऑफ द साइकिल सब कुछ किसके पास है ड्राइवर के पास है चाहे आप कार चलाने वाले को देख लो इफ योर फादर इज ड्राइविंग अ कार देन ऑब्वियसली योर फादर कैन स्टॉप इट क्योंकि ब्रेक उन्हीं के पास है एक्सेलरेटर उनके पास है गियर शिफ्टिंग उनके पास है दैट इज कॉल्ड लैस कंट्रोल आपकी बॉडी को स्टार्ट करना स्टॉप करना बॉडी की स्पीड बढ़ाना ब्रीदिंग की स्पीड सर्कुलेशन की स्पीड हार्ट बीट की स्पीड ये सब बढ़ाना स्टॉप करना धीरे करना तेज़ करना सब कुछ ये सारा कंट्रोल बेटा दो सिस्टम्स के पास है पहला सिस्टम है आपका नर्वस सिस्टम यस, फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम इज गोइंग टू बी नर्वस सिस्टम ठीक है दूसरा बेटा ये कंट्रोल बॉडी को चलाने का काम किसके पास है एंडोक्राइन सिस्टम ठीक है ये दोनों मिलकर काम करते हैं नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम कब हार्ट बीट बढ़ानी है कम करनी है तेज करना है धीरे करना है रोकना है सुलाना है एवरीथिंग इन दीज टू सिस्टम्स नाउ वट इज कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन क्या होता है बेटा कोऑर्डिनेशन जब तुम्हें बेटा पड़ता है थप्पड़ कभी तो थप्पड़ पड़ा होगा नहीं पड़ा तो तुमने किसी को मारा होगा नहीं मारा तो टीवी में किसी को मारते हुए देखा है होता है ना बेटा हीरो लगाता है जोर से विलन को थप्पड़ विलन इज लाइक like कि गोल 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 करके गिर जा रहा है ठीक है तो जब बेटा थप्पड़ लगता है तो विलन सबसे पहले यहाँ पर हाथ रखेगा फिर मुंह से चीख निकालेगा अगर वो थप्पड़ ढाई किलो के हाथ वाला है तो साथ में घूम के नीचे भी गिर जाएगा दैट मीन्स टुवर्ड्स दैट स्टिमुलस थप्पड़ इज अ स्टिमुलस उस पर्सन की जो विलन है विलन की कितनी सारी चीजें काम कर गई उसने अपने हैंड को मूव किया उसने अपने वोकल कॉर्ड्स को यूज किया उसने अपने लेग्स की मसल को यूज किया और बेटा सब कुछ यूज करते हुए वो नीचे आ गया दैट मीन इट वॉज अ कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऐसा तो नहीं था कि पहले हाथ रखा फिर थोड़ी देर बाद आवाज आ रही है नो no. सब चीजें कोऑर्डिनेशन में चल रही हैं। वैसे ही जब बेटा हीरो ने थप्पड़ मारा तो हीरो का भी जो हाथ है पैर की मूवमेंट है साथ ही में कुछ बोल भी रहे वो सब भी क्या चल रहा है कोऑर्डिनेशन में चल रहा है दैट इज ऑल्सो इन हैंड्स ऑफ दीज टू सिस्टम विच आर कॉल्ड एज नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम का डिटेल्स नर्वस सिस्टम इज एक्चुअली अंडर कंट्रोल ऑफ स्पेशल सेट ऑफ सेल्स विच आर कॉल्ड एज न्यूरॉन्स, ठीक है न्यूरॉन्स, ठीक है और ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है इट इज कंट्रोल्ड बाय सर्टेन सिक्रिशंस विच आर कॉल्ड एज हॉर्मोन्स नर्वस सिस्टम का सारा डिटेल बेटा हम पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो मैं इसके बाद लूंगी जिसमें हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम का सारा कंट्रोल हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में विच इज कॉल्ड एज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन क्योंकि यहां पर एक केमिकल यूज हो रहा है एंड दिस इज द केमिकल विच वी आर टॉकिंग अबाउट तो पता चल गया यार हमने करना क्या ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या हीरो का मारना विलन का सहना और फिर बेटा गोल गोल करके नीचे गिरना दिस एवरी थिंग इज कंट्रोल्ड बाय दीज टू सिस्टम्स नर्वस एंड एंडोक्राइन क्या एक से बात बन जाएगी अब सवाल आता है क्या यार अगर इसको निकाल दें तो क्या सब कुछ नर्वस सिस्टम कर सकता है देखिए मोस्ट ऑफ द चीजें कर सकता है बट स्टिल नर्वस सिस्टम कैन नॉट रीच ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द बॉडी देखो न्यूरॉन एक सेल है न्यूरॉन की एक क्षमता है कि कहाँ तक पहुंच सकता है वो एक लिक्विड नहीं है जो कहीं भी कोनों में घुस के पहुंच जाएगा न्यूरॉन्स कैन नॉट रीच ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द बॉडी जहाँ तक एक लिक्विड पहुँच सकता है और वो लिक्विड आपका क्या है हॉर्मोन्स हैं तो सिर्फ नर्वस सिस्टम से भी बात नहीं बनेगी हमें एक एडिशनल सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए एंड दैट सपोर्टिंग सिस्टम इज द एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें हम क्या यूज करते हैं केमिकल्स को यूज करते हैं सो शुड वी स्टार्ट विद द एंडोक्राइन सिस्टम बेसिक स्टार्ट कर लें ठीक है बेसिक स्टार्ट कर लें चलिए लेट अस स्टार्ट विद द सिस्टम जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम ठीक है यस एंडोक्राइन सिस्टम अब एंडोक्राइन सिस्टम इज गवर्न बाय सर्टेन ग्लैंड ग्लैंड कौन होते हैं चलो बताओ तुम लोग बताओगे यार वॉट आर ग्लैंड्स वॉट आर यस। जो बच्चा आज साढ़े चार वाली क्लास में नहीं आया तो उसकी तो बहुत मिस हो जाएंगे बेटा मिस हो जाएंगे मैं बता रही हूँ तुम लोग बहुत मेजर चंक मिस कर दोगे इस क्लास में नहीं आने का तो जो लेट आए हैं बता दूँ आज सारी एनिमल किंगडम की ट्रिक्स बतानी है एग्जाम्पल लर्न करने की दिस इज द लिंक फ्री क्लास एनरोल कर लो अभी के अभी हाँ जी नो सुभजीत ओनली हॉर्मोन्स ऑल्सो कान डू एवरीथिंग यस क्या पूछा था मैंने हाँ वट आर टिश्यू इज अ ग्लैंड वेरी वेरी रॉन्ग आंसर रोंगेस्ट आंसर रॉन्गेस्ट अगर कोई वर्ब होती है तो वैसा आंसर है तुम्हारा एपिथिलियल टिश्यू इज अ ग्लैंड नो ग्लैंड आर मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथिलियल टिश्यू ये सही बात है हाँ जी नहीं ऐसा भी नहीं है ग्लैंड जरूरी नहीं है हॉर्मोन सिक्रीट करे यार कुछ भी हो सकता है ग्लैंड कुड बी एनी ग्लैंड का काम है जहां से गंगा बहती है कुछ ना कुछ बहेगा ठीक है गंगा यमुना सरस्वती इंडस सतलुज रावी ब्यास कुछ ना कुछ तो बहेगा उस को क्या बोलते हो ग्लैंड ग्लैंड इज कैन रिलीज समथिंग। एक ऐसा है जैसे गंगा से कौन आया गंगोत्री से कौन आई थी गंगा आई थी यमुनोत्री से कौन आ रहा है यमुना आ रही है दैट मीन्स हर रिवर का एक ओरिजिन है जहां से वो स्टार्ट होती है सेम वे बॉडी में जितनी भी सिक्रेशन हैं वो कहां से चालू होती है ग्लैंड से होती हैं अब ग्लैंड दो तरीके के देर आर टू बेटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड वन इज कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड अदर वन इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड ठीक है देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड एक्सोक्राइन ठीक है पहले का नाम है एक्सोक्राइन दूसरे का क्या नाम है एंडोक्राइन क्या अंतर है देखो ग्लैंड ने कुछ ना कुछ भेजना है किसको भेजना है टारगेट को भेजना है ग्लैंड ने सामान यानी कि लिक्विड को भेज देना है टारगेट तक कई बार टारगेट दूर होता है कई बार टारगेट नजदीक भी होता है तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू नो टारगेट्स इन इन आवर बॉडी कई बार ग्लैंड के बिल्कुल नजदीक टारगेट बैठा होता है कई बार ग्लैंड यहाँ है टारगेट पैरों में ऐसा भी हो सकता है ठीक है तो अलग अलग टाइप के अपने ग्लैंड्स हैं जो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं टॉकिंग अबाउट बेटा एक्जोक्राइन ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड में मान लीजिए बेटा दिस इज योर ग्लैंड ये मैं यहां पर ले रही हूं ये आपका कोई ग्लैंड है ठीक है ग्लैंड को मैंने मान लिया जी ये क्या है आपका टारगेट है दिस इज योर टारगेट दैट इज टी ठीक है एक्सोक्राइन ग्लैंड अगर अपने टारगेट तक कुछ भी भेजना चाहता है तो इन दैट केस एक्सोक्राइन ग्लैंड इज गोइंग टू फॉर्म अ सुरंग एक डक्ट बनाएंगे तभी वो टारगेट तक अपना सामान डाल पाएंगे सो दे आर गोइंग टू फॉर्म दे आर गोइंग टू फॉर्म अ एंड थ्रू दिस दे विल रिलीज सिक्रीशन टू द टारगेट कि अगर उनको कुछ भी टारगेट तक भेजना है तो वो इस डक्ट के अंदर डालेंगे और डक्ट उसको टारगेट तक ले जाएगी सो दैट मीन दीज आर द ग्लैंड विच हैव गॉट गॉड प्रेजेंट है दूसरी जगह आ जाओ बेटा एंडोक्राइन में एंडोक्राइन में ये आपका ग्लैंड है ठीक है ये आपका क्या है टारगेट है इसको भी भेजना है लेकिन इसने मेहनत नहीं की इसने बेटा दिमाग लगाया ये मेहनती नहीं है ये हार्ड वर्कर नहीं है बड़ा स्मार्ट वर्कर है स्मार्ट वर्कर बेटा स्मार्ट कौन होता है स्मार्ट होता है जो बैठा रहे अपनी जगह पे लेकिन इधर उधर से काम कराता रहे ही नोज हाउ टू डू आउटसोर्सिंग तो इस ग्लैंड ने देखा है रस्ते में कौन जा रही थी रस्ते में तो यार जंजाल बिछा हुआ था किसका जंजाल बिछा हुआ है बेटा रस्ते में जंजाल बिछा हुआ है ब्लड वेसल्स का इसने देखा यार मैं क्यों डॉक्टर बनाऊं मैं क्यों सुरंगे बनाता रहूं मैं क्या करता हूं अपनी सिक्रीशन को डाल देता हूं ब्लड वेसल में ब्लड की हेल्प से ये सिक्रीशन किसके पास पहुंच जाएगी टारगेट के पास पहुंच जाएगी? पहुं जाएगी तो ये कौन है ये है अपने स्मार्ट वर्कर्स ठीक है ये अपने कौन से हैं हार्ड वर्कर्स कौन अच्छा साबित होगा कौन बेटा आरामदायक जिंदगी बताएगा बताओ यस कौन आरामदायक जिंदगी बताएगा सबसे आरामदायक जिंदगी किसकी है जो खुद बेटा बैठ के सुरंगे बना रहा है उसकी आरामदायक नहीं है जो किसी की हेल्प ले ले रहा है आउटसोर्स कर दे रहा है उसकी जिंदगी बहुत आरामदायक है वो बहुत काम कर सकता है देखो एक मैं बहुत बड़ा ड्रॉबैक बताऊं इस एग्जोक्राइम का एग्जोक्राइम में सिंस आपको क्या बनानी है डक्ट बनानी है तो आप टारगेट दूर नहीं रख सकते इसका टारगेट नजदीक ही होना चाहिए तो इन दिस केस द टारगेट शुड बी नियर मस्ट है इट शुड बी नियर टू ग्लैंड। क्यों क्योंकि आप बड़ा सुरंग नहीं बना सकते बड़ी डक्ट नहीं बना सकते यहां तो डक्ट बनाई नहीं दीज आर तो बेटा डक्टलेस आर डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है इन्होंने तो कोई भी डक्ट नहीं बनाई है तो इसका टारगेट दूर भी चलेगा इसका टारगेट कुड बी वेरी फार अवे फ्रॉम द ग्लैंड ठीक है ये बेनिफिट है स्मार्ट वर्कर है कुछ तो बेनिफिट होगा ना अच्छा अब आते हैं क्या भेजना है ग्लैंड ने क्या करना है कुछ ना कुछ सिक्रीट करना है देअर इज गोइंग टू बी सर्टेन काइंड ऑफ सिक्रेशन क्या सिक्रीट करें देखिए ग्लैंड की बात करूं If I talk about exokrine, exokrine ना सब कुछ सिक्रीट कर सकते हैं सिवाय एक चीज के क्या क्या सिक्रीट करते हैं सो टॉकिंग अबाउट द सक्रीशन ऑफ द ग्लैंड दे कुट एनजाइम्स इनकी सिक्रीशन में कौन आते हैं एनजाइम्स आते हैं इनकी सिक्रीशन में कौन आते हैं आंसू आते हैं बेटा जो तुम बहाते हो किसके लिए फेक दोस्तों के लिए फेक रिलेशनशिप्स के लिए है ना सो so कॉल्ड छोटे छोटे ब्रेकअप हो गया जी ये हो गया जो हो गया जो तो तुम्हारे आंसू निकलते हैं ना हाँ वो भी क्या है एक्जोक्राइन ग्लैंड से आए हैं यहां से क्या आता है बेटा पसीना आता है ठीक है यहां से तुम्हारा सीबम यानी कि ऑयल भी रिलीज होता है बॉडी में सब चीजें एक्सेप्ट वन थिंग दे आर एंडो एक्सोक्राइन सिक्रीशन वो एक्सेप्शन क्या है हॉर्मोन्स जो हॉर्मोन्स है ना हॉर्मोन्स आर द ओनली सिक्रिएशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड रेस्ट ऑल ऑफ थिंग्स बाकी कुछ भी बच गया कुछ भी निकल रहा है म्यूकस निकल रहा है सलाइवा निकल रहा है टीयर्स निकल रहे हैं स्वेट निकल रहा है ऑयल निकल, निकल रहा है एंजाइम्स निकल रहे हैं सब कुछ कौन निकाल रहा है एग्जोक्राइन मेहनती है ना हार्ड वर्कर है इसको ज्यादा काम दे दिए बेचारा लगा हुआ है सब कुछ बनाने में लेकिन ये अपने स्मार्ट वर्कर है एक तो खुद भी कुछ नहीं कर रहे हैं ऊपर से एक ही चीज रिलीज करते हैं दैट इज द हॉरमोन्स तो इस चैप्टर में हम एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं करेंगे हम क्या करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड करेंगे एक एग्जाम्पल दे दो यार एक्सोक्राइन की एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की एग्जाम्पल दे दीजिए ये सारे पीडीएफ में टेलीग्राम पे दे दूंगी टेलीग्राम बेटा सीप पाहुजा बायोलॉजी के नाम से आप लोग ज्वाइन कर लेना ढूंढ लेना ठीक है यस क्लास के बाद ही मिल जाएगी साथ साथ एनरोल भी करते जाओ एग्जाम्पल बता दो मुझे सोती हुई क्लास नहीं चाहिए मुझे आलसी आलसी हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड हो सकता है लेकिन मुझे आलसी क्लास नहीं चाहिए ठीक है क्लास शुड बी वेरी एक्टिव इट शुड बी रिस्पॉन्सिव आपका चैट सेक्शन भर जाना चाहिए एग्जाम्पल से क्योंकि एक एग्जाम्पल एक नहीं है बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं येस अच्छा इस चैप्टर में से उठा के नाम दे दोगे गलत नाम दे रहे पिट्यूटरी इज अ रॉन्ग आंसर मैंने आपसे एग्जो पूछा एंडो पूछा ही नहीं है यस हाँ बता दो अच्छा बहुत ही आसान आसान सवाल पूछ लिया है मैंने तुमसे देखो सलाइवर रिलीज करना है कौन रिलीज करेगा सलाइवरी ग्लैंड एंजाइम्स रिलीज कर रहे हैं सक्कस एंटेरिकस हो गया गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गए टीयर ग्लैंड हो गए योर ऑयल ग्लैंड हो गए स्वेट ग्लैंड होंगे ये सब क्या है हार्ड वर्कर मेहनती आदमी कौन एक्सो ग्राइंड वाला

हु कूड राइट विथ बोथ हैंड्स राइट हैंड से भी लिख सकता था और साइमल्टेनियसली लेफ्ट से भी लिखता था यस प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दैट मूवी प्लीज़ टेल मी द नेम ऑफ दैट मूवी एक प्रोफेसर था यार ऐसे ऐसे इतना बड़ा बोर्ड होता था ऐसे 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 लिख रहे हैं क्वालिटी है यार डुअल काम करने की क्वालिटी है यस yes. हाँ बताओ यस यस ये प्रोफेसर का नाम भी बता दो यार प्रोफेसर का नाम भी बता दो जिस जिसको प्रोफेसर का नाम आता है फटाफट से सेशन को लाइक कर दो फटाफट से तुम लाइक नहीं करते बड़े ज्यादा कंजूस हो अब तक तो भर जाने चाहिए लाइक्स यस रामानुजन ओके अच्छा कबीर सिंह पे आ गए हैं बेटा वो एक हाथ से भी ना लिख पाए हां जी

कुछ ऐसे भी ग्लैंड्स हैं जो एग्जो और एंडो दोनों काम कर सकते हैं yes, जिन्होंने अपनी डक्ट भी बना रखी है मतलब जुगाड़ू हैं बिल्कुल अपनी टनल भी बना ली है टारगेट तक की एंड उन्होंने ब्लड वेसल से भी कॉन्ट्रैक्ट कर रखे कि कुछ कुछ हॉर्मोन्स हम तुमको भी देंगे तुम भी आगे टारगेट तक ले जाना यानी कि उनके कॉन्टैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं वो लोग डक्ट भी बना रहे हैं बिना डकट के भी काम कर रहे हैं सो दो ग्लैंड एंड एंडो दीज ग्लैंड आर कॉल्ड एज मिक्सड ग्लैंड ठीक है या फिर इनको क्या बोला जाता है कंपाउंड ग्लैंड या फिर इन्हीं को क्या बोला जाता है हटेरो क्राइन ग्लैंड तो बॉडी में दो तो ग्लैंड ऐसे हैं बेटा जिनका दोनों के साथ जुगाड़ है दे दे कैन फॉर्म डक्ट डक्ट हैव उनके कुछ टारगेट ऐसे हैं जो नजदीक है जिनके लिए उन्होंने डक्ट बना ली कुछ टारगेट बेटा ऐसे हैं जिनके लिए वो ब्लड का यूज कर रहे हैं दे आर पोरिंग देर सिक्रेशन इन टू द ब्लड एंड ब्लड इज मेकिंग रीच ओवर टू द टारगेट एग्जाम्पल ऑफ सर्टन ग्लैंड एग्जाम्पल बेटा उन एग्जो प्लस एंडो वाले ग्लैंड्स की दो ही हैं ये याद रख लो अभी के अभी सब बच्चे जो मेरे पुराने हैं वो मुझे साथ साथ बताएंगे दैट इज़ गोइंग टू बी बिल्कुल ठीक है वन इज़ पैनक्रियाज सेकेंड वन इज गोनाइ्स ठीक है पैनक्रियाज एक ऑर्गन है एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था गोनाइ्स क्या होते हैं

कि एक्सो और एंडो में क्या अंतर है साथ ही में आपको ये भी पता चल गया दैट विच टाइप ऑफ ग्लैंड आर मिक्स ग्लैंड कंपाउंड ग्लैंड चलिए अब बात करते हैं स्टार्ट करते हैं चैप्टर में तो हमने एंडोक्राइन ही पढ़ना है मेनली एक्सो कंपाउंड वाले भी पढ़ेंगे बट एंडोक्राइन पढ़ना है तो एंडोक्राइन के सिक्रीशन के बारे में जान लें हॉर्मोन्स होते क्या हैं वट आर दीज हारमोन्स हारमोन एक सिक्रीशन है कहाँ से मिलते हैं भाई क्या लगता है सब्जी मंडी से मिलेंगे या सेब में से निकलेंगे पपीते में से निकलेंगे मैंगो में से निकलेंगे या फिर बाजार में इसका जूस मिलता हॉर्मोन्स का क्या लगता है कहां से लेके आए इन हॉर्मोन्स को यस टॉकिंग अबाउट हॉर्मोन्स ओके हॉर्मोन्स बेटा खुद बनाने पड़ेंगे मिल जाएंगे कहीं से कोई खाने के अंदर मिलते हैं ड्राई फ्रूट में निकलेंगे बॉडी खुद बनाएगी क्या लगता है बस ये बता दो तुम तुम्हें क्या लगता है आज तक तुमने देखा है कि ये वाला फ्रूट खाना चाहिए इसमें बहुत हॉर्मोन्स है हम ये तो बोलते हैं ये वाला फ्रूट खाना चाहिए इसमें बहुत वाइटमिन है मिनरल्स है न्यूट्रिय है क्या हमने आज तक ये बोला है कि यार तुम्हें एप्पल रोज खाना चाहिए इसमें बहुत हॉर्मोन्स है यस कभी आज तक ऐसा सुना है कि तुम्हें ना ब्रोकली खानी चाहिए उसमें से हार्मोन निकलेगा तुम्हें पपीता खाना चाहिए हार्मोन निकलेगा नो no? नहीं ये बॉडी के द्वारा बनाए गए कुछ ऐसी हैं है ना दैट मीन्स दीज केमिकल्स आर बायो जेनिक केमिकल्स बायो यानी कि आपकी बॉडी ने बनाया बाजार में फ्रूट में वेजिटेबल में नहीं मिलेगा योर बॉडी हैज टू फॉर्म दीज हार्मोन्स दीज आर बायोजेनिक ठीक है दैट मीन्स दीज आर प्रोड्यूस्ड इन बॉडी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी ओनली अगली चीज कि, किसी फायदे के नहीं है ऐसे नहीं है कि बेटा न्यूट्रिएंट रिच हॉर्मोन्स आ रहे हैं नो दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स इसमें से कोई न्यूट्रिएंट इसकी क्वालिटी नहीं है ठीक है आप खुद बनाते हैं कोई इसका लेना देना नहीं है ठीक अब बनता कितना होगा क्या लगता है, है मिली लीटर में बनता है एक लीटर हॉर्मोन बढ़ रहा है अंदर एक लीटर एस्ट्रोजन एक लीटर टेस्टोस्टोरॉन दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी 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 स्मॉल अमाउंट्स नैनोग्राम्स में बनते हैं बेटा लीटर, मिलीलीटर, ग्राम ऐसे नहीं बनता है बहुत ही कम क्वांटिटी चाहिए होती है इसकी सो दे आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट ट्रेस होता है बेटा बहुत ही कम दे आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स ठीक है हमारी डाइट में नहीं होते हैं दे आर नॉट इन आवर डाइट डाइट में नहीं मिलेंगे ठीक क्या है ये केमिकल है जो मैसेज लेकर जाते हैं दीज आर केमिकल मैसेजर्स दीज आर बेटा जी केमिकल मैसेजर्स मैसेज लेकर जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह ठीक है और क्या है सेल्युलर मैसेजर्स है कैसे मैसेजर्स हैं इंटर सेल्युलर मैसेंजर्स हैं ठीक है सो दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स प्रोड्यूस्ड इन वेरी लेस अमाउंट केमिकल मैसेजर्स इंटरसेलर मैसेजर्स नैनोग्राम्स में बनते हैं किस में बनते हैं नैनोग्राम्स में बनते हैं ठीक सबसे पहला हार्मोन किसने डिस्कवर किया था बन तो गया था चलो फर्स्ट हार्मोन विच वाज डिस्कवर्ड सबसे पहला हार्मोन हां जी फर्स्ट हार्मोन विच वाज डिस्कवर्ड वाज हाँ जी पहला हार्मोन अपना कौन था सिक्रीटिन नाम पता होना चाहिए आपको सिक्रीटिन किसने डिस्कवरी की थी इसकी हु डिस्कवर्ड दिस सिक्रीटिन इट वॉज डिस्कवर्ड बाई टू साइंटिस्ट बेलिस एंड स्टारलिंग बेलिस एंड स्टार्लिंग ने बेटा फर्स्ट हॉर्मोन डिस्कवर किया था सिक्रिटिन एक ऐसा हॉर्मोन है जो ड्यूडेनम में से रिलीज होता है स्मॉलम में so it is released from मैंने आपको उसमें भी लिखवाया होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में याद हैल्सो ठीक यस हांजी फर्स्ट हॉर्मोन आपका सिक्रिटिन नार्मोन कुड बी आईदर दो तरीके के हॉर्मोन्स होते हैं बेटा हॉर्मोन्स कुड बी आईदर स्टिमुलेटरी जो पॉजिटिव सिग्नल देंगे पॉजिटिव यानी कि वो आगे की ग्लैंड को प्रमोट करेंगे कि यार तुम भी कुछ काम करो हॉर्मोन्स कुड भी इनहिबिटरी ऑल्सो सो कुछ हॉर्मोन्स ऐसे हैं बेटा जो एक्साइटेटरी है जो पॉजिटिव काम करवाएंगे कुछ हॉर्मोन्स कैसे हम पड़ेंगे इनिबिटरी भी पड़ेंगे दोनों की एग्जाम्पल मैं आपको कराने वाली हूँ यस yes? हाँ जी बस करो यार बस करो नंबर मांगना बस करो क्या करोगे एक दूसरे का नंबर लेके समझ नहीं आता यार कि कौन सी दोस्ती आ रही है जिससे नीट क्रैक होता है मुझे नहीं लगता कि दोस्त बनने से नीट निकाल सकते हैं है? हो सकता है ऐसा कि दोस्ती यारी करेंगे और नीट निकलेगा एक दूसरे का नंबर मिल जाएगा तो उसके नोट्स मिल जाएंगे साथ बैठ के ग्रुप स्टडी करेंगे मैसेज करेंगे अच्छा मैंने भी स्टार्ट कर दिया है दस बज चुके हैं अब हम अगला मैसेज ग्यारह बजे करेंगे ठीक है तब तक कोई मैसेज देखेगा नहीं एंड कुछ टाइम बाद देखेंगे कि दस से ग्यारह तक तो चैट ही है बच्चों की है ना ग्यारह बजे तक क्या पढ़ाई करेंगे ये लोग है ना क्या पढ़ाई करेंगे ये लोग कौन सी ग्रुप स्टडी करते हो सच बताना यार सच बताओ मुझे लगता है तुम करते हो आई फील दैट यू डू एंड दिस काइंड ऑफ ग्रुप स्टडी ओनली जिसमें तुम्हारा एम होता है कि हम पढ़ेंगे एक घंटा उसके बाद हम एक दूसरे को मैसेज करेंगे लेकिन वो एम से तुम लोग भटक जाते हो ठीक है एम से भटक जाते हो और तुम फ्रेंड्स फॉर एवर वाली फ्रेंड्स फॉर एवर वाली चैट करने लगते हो ओनली सेल्फ स्टडी बेटा एक सीरियल आता है पता नहीं तुमने देखा है सुना होगा उसके बारे में यूथ को बहुत ज्यादा अंदर से आ, इंस्पिरेशन रहती है कि मैं बड़ा होकर रोडी बनूंगा कुछ बनू ना बनू रोडी जरूर बनूंगा ठीक है उसका एक आ, स्लोगन टाइप है कि नो डाउट यू हैव टीम्स यू हैव पीपल अराउंड यू बट हर रोडी एक अकेला है ठीक है तो लाइफ में बेटा वही फंडा निकाल के चला करो एवरी वन इज अलोन यू हैव योर फैमिली विद यू यू हैव योर फ्रेंड्स यू माइट हैव बेस्ट फ्रेंड्स ऑल्सो बट फिर भी तुम लाइफ में अकेले हो तुम्हारा पेपर तुम्हारा दोस्त तो देने नहीं आ सकता है या फिर तुम्हारे लिए जॉब का इंटरव्यू दोस्त देने नहीं जा सकता चाहे कितना ही गहरा दोस्त क्यों हो कितनी दोस्ती आ रही हो अल्टीमेटली इट इज यू हु कैन चेंज योर डेस्टिनी हु कैन मेक फॉर्च्यून्स आउट ऑफ योर एक्शंस ठीक है तो तुम लोग अकेले हो बेटा ठीक है अकेले हो तो इधर उधर ढूंढना बंद करो एक दूसरे से नंबर मांगना बंद करो अपना नंबर याद कर लो बहुत है ठीक है इससे अच्छा फिजिक्स के न्यूमेरिकल याद कर लो कैपिटल जी की वैल्यू याद कर लो स्मॉल जी की वैल्यू याद कर लो अभी मैंने पूछ लिया कैपिटल जी की वैल्यू आधा बच्चा नहीं बता पाएगा कैपिटल जी का फॉर्मूला आधा बच्चा गलत बताएगा ठीक है स्मॉल जी तो चलो आसान है तो किसी का नंबर याद करने से अच्छा ये याद कर लो आर की वैल्यू याद कर लो मुझे भी पता है यार कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में वो याद नहीं है लेकिन नंबर जरूर दस नंबर का याद हो जाएगा ठीक है चलो आ जाइए चलिए फर्स्ट क्लैंड स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल कौन है हमारा प्रिंसिपल कौन है तो बता दो यार कैपिटल जी की कैपिटल जी का फॉर्मूला पूछा है फॉर्मूला पूछा है फॉर्मूला नहीं बता पाओगे आहा आ <laughs> <laughs> अब तुम लिख दो मुझे भी याद नहीं है। क्या था बट था जो भी था टॉर्मूला था हाँ जी चलिए करते हैं फर्स्ट से जिसका नाम है ठीक है? ठीक टॉकिंग अबाउट दिस इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन पहली चीज इसके ओरिजिन से चालू करते हैं। Ectoderm, mesoderm, से एक्टोडम क्या बनाता है आपका हाइपोथैल है? कहां पर सिचुएटेड है इट इज सिचुएटेड एट द फ्लोर ऑफ डायनसेफलॉन फ्लोर ऑफ डायन सेफलॉन अब ये डायनसेफेलॉन क्या है डायनसेफिलॉन बेटा ब्रेन में याद होगा ये आपके फोर ब्रेन का एक पार्ट है किसका पार्ट है बेटा जी फोर ब्रेन का एक पार्ट है Four brain के है? Uh, के फ्लोर फ्लोर पर कौन कौन प्रेजेंट प्रेजेंट है? है? है, है. उसमें नीचे होता है, होता ऊपर तो नीचे यानी कि फ्लोर पे जमीन पर प्रेजेंट है उसके दैट इज हाइपोथैलमस अब हाइपोथैलमस के पास ना कुछ सेल्स हैं. हाइपोथैलमस के पास कुछ सेल्स हैं जिसका नाम है न्यूरोटरी सेल्स सो द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन हाइपोथैलमस दे आर न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स क्या मतलब हुआ बेटा ये ऐसे सेल्स हैं ये ऐसे सेल्स हैं बेटा जिनका रोल नर्वस सिस्टम में भी देखा हमने एंड जिनका रोल हम यहाँ एंडोक्राइन सिस्टम में भी देखेंगे सो हाइपोथैलमस इट एक्चुअली अ लिंक बिटवीन ये एक लिंक है किसके बीच में नर्वस सिस्टम में भी एंड एंडोक्राइन सिस्टम में भी क्योंकि इसका दोनों में फंक्शन है ठीक है इसका दोनों में फंक्शन है तो इसके सेल का नाम मैंने न्यूरोसिक्रेटरी इसीलिए रखा क्योंकि इसका फंक्शन नर्वस सिस्टम में भी है ठीक है लेकिन यहां पे ये परिटरी सेल्स क्या रिलीज कर रहे हैं हॉर्मोन्स रिलीज कर रहे हैं तो बना लेते हैं बेटा हाइपोथैलमस हाइपोथलमस इज एक्चुअली कनेक्टेड टू पिट्यूटरी वाया दिस स्टॉक इज कॉल्ड एज इन

एंटीरियर पिट्यूटरी बीच का छुटकुसा जो लोब है वो कहलाएगा इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ठीक है अभी जो हाइपोथैलेमस है इट इज कनेक्टेड टू पिट्यूटरी वाया दिस स्टॉक दिख रहा है ये कनेक्शन क्या है इस स्टॉक के द्वारा इस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज इन्फंडिबुलम दिस इज बेटा जी कॉल्ड एज इन्फंडिबुलम डंडी स्टॉक जैसे फूल देते हो किसी को नीचे डंडी से पकड़ के दोगे ना ऊपर का थोड़ा दे दोगे सो दैट इज कॉल्ड लैस इन फंडीबुलम के पास सेल्स कौन से है न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स है मतलब न्यूरॉन है लेकिन वो सिक्रीशन कर सकते हैं न्यूरॉन क्यों है क्योंकि यार ये नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है किसका पार्ट है नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है तो न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स आर लाइक दिस लेट अस ड्रॉ न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स विद पिंक कलर ओके कुछ सेल्स बेटा ऐसे प्रेजेंट है ये देखिए पे बेटा हमारे पास कुछ ब्लड वेसल्स हैं जो इस तरीके से प्रेजेंट है yes. so this is artery. Artery, बेटा यहां जाके बनाएगी एक कैपिलरी नेटवर्क इट इज गोइंग टू फॉर्म कैपिलरी नेटवर्क ओवर हेयर एंड यहां से चलेगी एक वेन दिस इज कॉल्ड एज हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन ठीक है क्या नाम है इस वेन का हाइपो पोर्टल वेन एंड नीचे जाकर एक और कैपलरी नेटवर्क बनाएंगे ठीक है लाइक दिस ओके तो यहां पर ये यह क्या थी दिस इज हाइपो आर्टरी लिख लो पहले फिर मैं सब बताऊंगी हाइपो आर्टरी दिस वन इज हाइपो फाइसियल पोर्टल वेन हाइपो फाइसीियल पोर्टल वेन डू यू रिमेंबर द पोर्टल सिस्टम जो मैंने आपको कराया था बॉडी फ्लूड्स में पोर्टल वेन क्या होती है ये वेन वो होती है जो जाकर हार्ट में नहीं खुलती एक कैपिलरी बेड से चलकर दूसरे कैपिलरी बेड तक जाती है वेन, पोर्टल वेन यही सीखा था ना हमने जनरली क्या होती है स्टार्ट फ्राम अ कैपले एंड देन दे मूव टू एन ऑर्गन लेकिन यहां पर ये वेन कैपिलरी से स्टार्ट हुई कैपिलरी में आके खुल गई हाइपोफाइसियल नाम क्यों रखा क्योंकि बेटा हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी का नाम है किसका नाम है Pitutory का नाम है तो अगर हाइपोथैलमस के न्यूरो सेल्स ने कोई भी हार्मोन एंटीरियर और इंटरमीडिएट लोब को भेजना है तो दे विल सेंड वाया दिस पो पोर्टल इसके द्वारा भेजेंगे ठीक है सो so, अगर हाइपोफाइस न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स ने एंटीरियर और इंटरमीडिएट लोब को कुछ भी भेजना है किसके द्वारा भेजेंगे हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन के द्वारा भेजेंगे जबकि पोस्टीरियर वाले के लिए डायरेक्ट उनको चल के आना पड़ता है पोस्टीरियर लोब को अगर कुछ भी देना है ना तो न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स खुद चल बेटा आएगा इसका एग्जॉन इतना बड़ा होगा एंड देन दे विल रिलीज देअन इन टू द पोस्टीरियर पिट्यूट्री समझ आया एंटीरियर और इंटरमीडिएट लोब के लिए हम हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन की हेल्प लेते हैं लेकिन पोस्टीरियर लोब के लिए डायरेक्ट सेल्स नीचे तक आएगा अब देख लेते हैं कि हाइपोथैलमस ऐसे कौन से हार्मोन रिलीज करता है जो एचपीवी के द्वारा आते हैं दिस इज एचपीवी एच के द्वारा आते हैं और ऐसे कौन से हार्मोन रिलीज करता है जो डायरेक्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं समझ आया अल्टीमेटली हाइपोथैलमस ने पिट्यूटरी को कंट्रोल करना है ये मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है ये स्कूल का प्रिंसिपल है बेटा जो आगे जाकर एच को कंट्रोल करेगा फिर एच जाके टीचर्स को कंट्रोल करेंगे टीचर जाके बच्चों को कंट्रोल करेंगे बच्चे देश का भविष्य बनाएंगे तो इस तरीके से ये पूरा चलता रहेगा ठीक है सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट सर्टेन ओवर हेयर जो कि हाइपोथैलमस uh, से रिलीज होकर एच में आते हैं किस में आते हैं एचपीवी में आते हैं सो हाइपोथैलमिक हार्मोन लिखेंगे हम हाइपोथैलमिक हॉर्मोन्स सबसे पहले बेटा हम वो हाइपोथैलमिक हॉर्मोन्स लिख रहे हैं विच आर रिलीज इन टू एचपीवी ठीक है विच आर रिलीज इन टू हाइपोफाइसियल पोटल वेन ठीक है और ये हाइपोफाइसल पोर्टल वेन से कहां पर पहुंचे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी तक पहुंचे कहां तक पहुंचे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पहले मैं लिस्ट बना दूंगी बेटा इनकी लिस्ट बनाने के बाद हम इसके फंक्शंस करेंगे फंक्शंस बहुत आसान है नाम से ही आप इसके फंक्शंस निकाल लोगे ठीक है नाम से क्या निकाल लोगे फंक्शंस निकाल लोगे तो सबसे पहला हॉर्मोन बेटा जो इस कैटेगरी में आता है किस कैटेगरी में आता है इस वाली इसको डब्बा बना देते हैं अपने लेट मी मेक द बॉक्स आउट ऑफ इट यस yes, सबसे पहला हार्मोन बेटा जो इस कैटेगरी में आता है दैट इज कॉल्ड एज जी एच आर एच फुल फॉर्म जिसको आती है बताते जाइए चैट सेक्शन में मतलब धमाल मत जाना चाहिए कि ऐसे कौन से हाइपोथैलमिक हार्मोन्स हैं जो एच के द्वारा एंटीरियर लोब में आते हैं सबसे पहला है बेटा जी एच आर एच GH जी एच सबको पता है दिस इज ग्रोथ हार्मोन मैं दोबारा नहीं लिखूंगी जी एच की फुल फॉर्म दिस इज ग्रोथ हार्मोन आर एच इज रिलीजिंग हार्मोन आर एच इज रिलीजिंग हॉर्मोन इसका एक निक नेम भी है इसका निक नेम क्या है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोमैटोक्राइनिन सोमैटोक्राइनिन इसका निक नेम है बेटा जी एच आर एच को क्या बोला जाता है सोमैटोक्राइनिन अच्छा और हाइपोथेलमिक हॉर्मोन बताइए इसका ऑपोजिट इसका दुश्मन जी एच आई एच जी एच फिर से क्या होगा ग्रोथ हॉर्मोन आई एच क्या होगा इनहिबिटिंग हॉर्मोन इसका दुश्मन ठीक है जी एच आई एच इसका भी एक निक नेम है इसका निक नेम क्या है सोमैटो स्टार्टिन सोमैटो स्टार्टिन ठीक है बेटा जी हां जी अगला करिएस टी आर एच के फुल फॉर्म बताओ फटाफट से टी आर एच मैं लिखती जा रही हूँ फुल फॉर्म आ जाना चाहिए जी एन आर एच ठीक है नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा सी आर एच नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा पी आर एच हां जी इन सब के फुल फॉर्म टी आर एच क्या होगा थायरोट्रोपिन थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आर एच के लिए रिलीजिंग हार्मोन जी एन आर एच गोनाडोट्रोपिन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सी आर एच क्या हो जाएगा कॉर्टिकोट्रोपिन कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पी आर एच क्या हो जाएगा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन सिंपल ये सारे जितने भी अभी मैंने आपको हॉर्मोन्स बताए जी एच आर एच जी एच आई एच टी आर एच जी जी एन आर एच सी आर एच पी आर एच ये सब किसने रिलीज किए ये सब रिलीज किए आपके हाइपोथैलमस ने भेजे किसके पास भेजे किसके पास बेटा एंटीरियर लोब के पास इंटरमीडिएट वाला नहीं अभी मैंने बताया इंटरमीडिएट नहीं बताया एंटीरियर लोब के पास भेजे क्या काम कराएंगे एंटीरियर लोब की सिक्रीशंस को प्रमोट कराएंगे क्या मतलब है इसका एंटीरियर लोब बेटा रिलीज करता है जीएच ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ हार्मोन को पॉजिटिव सिग्नल देने के लिए जीएचआरएच चाहिए नेगेटिव सिग्नल देने के लिए जीएचआई चाहिए एंटीरियर लोब रिलीज करता है थायरॉय स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच टीएसएच को पॉजिटिव सिग्नल देने के लिए टीआरएच चाहिए नेगेटिव के लिए आई एच मैंने लिखा नहीं बट आई एच इनहेबिटिंग हार्मोन हो जाएगा ग्रोथ हॉर्मोन एंटीरियर लोब से क्रिएट करता है FSH, LH, उसको पॉजिटिव सिग्नल देने के लिए कौन चाहिए जीएनआरएच चाहिए ग्रोथ हॉर्मोन क्या रिलीज एंटीरियर लोब क्या रिलीज करता है एड्रीनो कॉटिकोट्रॉपिक हॉर्मोन उसको पॉजिटिव सिग्नल देने के लिए कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन चाहिए और बेटा प्रोलैक्टिन को पॉजिटिव स्टिमुलस देने के लिए पी आर एच चाहिए तो यानी कि हाइपोथैलमिक जो आपके हॉर्मोन हैं दीज दे विल आइदर गिव पॉजिटिव सिग्नल और नेगेटिव सिग्नल पॉजिटिव सिग्नल के लिए ये रिलीज करेंगे आर एच नेगेटिव सिग्नल के लिए ये रिलीज करेंगे आई एच सिंपल पॉजिटिव के लिए आर एच मतलब पिट्यूटरी को अगर पॉजिटिव स्टिमुलस देना है तो आर एच रिलीज करा दो पिट्यूटरी से अगर काम कम करवाना है तो आई एच रिलीज करा दो इतना पता चला इतना पता चला तो फटाफट से सेशन को लाइक करिए और चार्ट सेक्शन में फेवरेट इमोजी सेशन को लाइक चैट सेशन में फेवरेट इमोजी तो मैं आगे बढ़ूँ दूसरे वाले हार्मोन्स के बारे में बात करें यस मिस्टर राकेश रोज क्लास होती है मैं कंप्लीट सिलेबस यहाँ करा रही हूँ एवरी डे क्लास का टाइम है तीन बजे मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है तभी तुम्हें मेरी सारी क्लास की नोटिफिकेशन आएगी और ये वाली क्लास में तुमने एनरोल नहीं किया तो तुम आज बहुत बड़ी चीज मिस कर जाओगे क्योंकि सारे एनिमल किंगडम की ट्रिक्स के साथ न्यूमोनिक्स के साथ एक नहीं चार चार न्यूमोनिक्स के साथ ये क्लास होने वाली है दिस इज गोइंग टू बी एन एपिक क्लास आई वॉन्ट यू टू एनरोल कोड अगर पूछेगा तो डाल देना सीप लाइफ कोड क्या डालना है आप सबने सीप लाइफ हाँ जी सेशन को लाइक तो किया नहीं आग लगाते रहो है इमोजी e में आग लगा रहे हैं सेशन लाइक नहीं हो रहा है <laughs> चलिए

देखिए पोस्टीरियर लोब खुद कुछ काम नहीं करता तुम्हारे जैसा है निकम्मा कैसा है निकम्मा पोस्टीरियर लोब लाइफ में कुछ नहीं बनाते हैं सिर्फ ऊपर से बनाए गए हॉर्मोन्स को स्टोर करते हैं और जरूरत आने पे रिलीज करते हैं बनाते कुछ नहीं है दे डोंट फॉर्म एनीथिंग दे ओनली स्टोर द सिक्रेशन विच आर रिलीज बाय द हाइपोथैलमस सो नाउ आई विल राइट द हाइपोथैलमिक हॉर्मोन्स ठीक है तुम्हारी तरह हाइपोथैलमिक हॉर्मोन्स कौन से हॉर्मोन्स के बारे में बेटा मैं यहां पर लिखूंगी आई विल राइट अबाउट विच आर रिलीज इन टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी विच आर रिलीज इन टू रिलीज इन टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई पोर्टल वेन बिच में नहीं आ रही है लिख लो बेटा पोस्टीरियर कौन है वो गाना आया था ना निकम्मा किया इस दिल ने इस दिल ने किया रे निकम्मा ठीक है ये कौन है बेटा जी ये एक नंबर का निकम्मा है कोई काम नहीं करता है सिर्फ इसके द्वारा बनाए गए हॉर्मोन्स को स्टोर करके रिलीज करता है तो इसके लिए अलग से तुमको हेडिंग बनानी पड़ेगी कि यार ये हॉर्मोन क्या है ये ग्लैंड क्या है अपना बिल्कुल निकम्मा ठीक क्या करता है देखिए दो न्यूक्लियज हैं दीज आर सिक्रीटेड बाई टू न्यूक्लियस आई एम राइटिंग ओवर हेयर दीज आर सिक्रीटेड द हॉर्मोन्स दे आर सिक्रीटेड बाई टू न्यूक्लियसिस न्यूक्लियस ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को ही बोलते हैं पहला न्यूक्लियस है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस हां जी पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से क्या सिक्रीट करेगा हाइपोथेलमस इट इज गोइंग टू सिक्रीट ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन यहां से क्या रिलीज करेगा एंटी डायरेटिक हॉर्मोन एडीएच इसी एडीएच का दूसरा नाम क्या है Vesoprecin, ठीक है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन दिख रहा है दिख रहा है बेटा हां जी ये जो अपना ऑक्सीटोसिन है ये है बेटा प्यार का प्रतीक हां जी वेन एवर यू फॉल इन लव विथ द अफेक्शन और द फीलिंग्स दैट यू गेट फॉर दी डेट पर्सन दोज फीलिंग्स आर ड्यू टू ऑक्सीटोसिन बिकॉज ऑक्सीटोसिन इज द लव हॉर्मोन इट्स अ कारडल हॉर्मोन ठीक है तो प्यार बेटा जब हो जाता है ना

लग रहा है बेटा बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है आजकल हाँ ये किसी को भेज दो ये सेशन शेयर कर दो बेटा जिनके लिए तुम्हें ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है उन उन लोगों को सेशन शेयर करके ये टाइम टाइम स्टैम्प स्टैम्प लगा देना दैट दिस इज आई एम फीलिंग क्या लगाओगे ठीक है लिख देना कि सेशन में 46 सिक्स मिनट्स पर दिस इज वाई आई एम फीलिंग फॉर यू ठीक है सेंड कर देना किसी भी फील्ड के हो बेटा कॉमर्स के हो आर्ट्स के हो इधर उधर हो दे विल अंडरस्टैंड ओके सो दिस इज ऑक्सीटोसिन एक तो इसका काम है दैट इट इज रिस्पॉसिबल फॉर गिविंग यू फीलिंग्स प्लस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रक्शन ऑफ यूट्रस एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ चाइल्ड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग पार्चुरेशन ड्यूरिंग पार्चुरेशन ठीक है सेकेंड बेटा इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क अभी दिख जाएगा मैं हट जाऊंगी यहां से इजेक्शन ऑफ मिल्क ठीक है सो बर्थ के बाद जब लैक्टेशन पीरियड होता है तो उस समय मदर की बॉडी से जो मिल्क रिलीज होता है बनता नहीं है इज्जन दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन प्लस बेटा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द चाइल्ड मदर के यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम भी किसका है ऑक्सीटोसिन का है इसी वजह से ऑक्सीटोसिन को बोला जाता है बर्थ हॉर्मोन या फिर मिल्क इजेक्टिंग हॉर्मोन बर्थ हार्मोन या फिर बेटा मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन क्या बोला जाता है इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन ठीक है क्लियर है ये अमेजिंग अमेजिंग हैंड रिटन नोट्स ऑन माइ टेलीग्राम ठीक है ओके नेक्स्ट आता है एंटी डायरेटिक हार्मोन एंटी डायरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसन का क्या काम है इट इज गोइंग टू एक्ट ऑन किडनी ट्यूब्यूल्स एक्ट ऑन किडनी ट्यूब्यूल्स एंड इट विल हेल्प इन वॉटर एब्जॉप ये मैंने आपको अभी कराया है इसको बताने की मुझे जरूरत नहीं है ये हमने अभी डिस्कस किया था एक्सक्रीशन में ताजा ताजा डिस्कस किया हुआ है फटाफट से बता दो डिसऑर्डर इससे रिलेटेड कौन सा है सो डेफिशिय डेफिशियंसी ऑफ ए डी एच विलीड टू कौन सा डिसऑर्डर चलो बता दो यार मैं अब इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि मैंने वो डिसऑर्डर भी आपको कराया हुआ है फटाफट से नाम बताइए अगर आपकी बॉडी में ए डी एच की कमी हो गई तो वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा वाटर रिअब्जॉर्ब नहीं होगा तो यूरिन कैसा रहेगा यूरिन विल बिकम वेरी मच डाइल्यूट एंड दैट डिसऑर्डर इन विच यूरिन में बहुत सारा पानी निकल जाता है एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है दैट इज कॉल्ड एज डायाबिटीज हाँ जी एन सी

ठीक सिंपल है फंड है ये हो गए आपके वो हाइपोथैलमिक हॉर्मोन्स बेटा विच आर एक्चुअली रिलीज इन टू पोस्टीरियर पिट्यूट्री दीज आर दोज हाइपोथैलमिक हॉर्मोन्स विच आर रिलीज इन टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी ओके चलिए डन डन इतना समझ आ गया हां जी तो यहां पर हमारा समाप्त हो गया हाइपोथैलमस अब अगला बचा है हमारा पिट्यूटरी चलिए स्टार्ट कर लें बेटा पिट्यूटरी के बारे में करा दूं दस मिनट लगेंगे यार दस मिनट लगेंगे साढ़े चार बजे वाली क्लास भी है अपनी साढ़े चार बजे वाली बेटा क्लास भी है अपनी कर लें कि कल करोगे पिट्यूटरी ग्लैंड वैसे ब्यूटीफुल लग रहा है यार आई रियली लाइक पहले मुझे अच्छा लगता था कि ब्लैक पे मैं पढ़ाऊँ ब्लैक पे लेकिन कुछ सर्टेन कलर्स ही यूज हो सकते थे आई एम जस्ट शेयरिंग माय रियल फीलिंग्स मुझे बहुत अच्छा लगता था यार ब्लैक पे हो येलो वाइट बहुत प्यारा लगता है बट वाइट पे भी इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल यार बहुत कलर्ड चीज़ें आ जाती हैं मैनी कलर्स यू कैन एक्सप्लोर ऑन वाइट बैकग्राउंड सो आई एम लाइकिंग इट आई होप आपको भी यार ये वाले नोट्स अच्छे लगते होंगे जब मैं शेयर करती होंगी है ना यू ऑल्सो यूज टू लव इट आई फील सो आई एम नॉट श्योर whether आई एम राइट और रॉन्ग ठीक है आपको कौन सा बैकग्राउंड अच्छा लगता है हाँ जी चलिए पिट्यूटरी के बारे में लिख लेते हैं वैसे तो मैं सारे आपके लिए टाइप्ड फॉर्म भी लाई हूँ लेकिन तुम टाइप्ड फॉर्म आजकल देखते गाँ मैं सब कुछ लेके आई थी तुम्हारे लिए ये देखो एवरी थिंग आई हैड ब्रॉड यस ये देखो सब मैंने हॉर्मोन्स के बारे में फोटो वगैरह सब लगा दिया लेकिन तुमको चैन का है ये देखो हाइपोथेलमिक हॉर्मोन्स भी मैंने लिख दिए हैं इन सब का फुल फॉर्म भी मैंने तुमको बता दिया है ठीक है पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले चलो पिट्यूटरी वाला इसके नीचे लिख लेते हैं लेट अस राइट ठीक पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में लिख लेते हैं पिट्यूटरी इज एक्टोडर्मल इन हैंजन इसका ऑरिजिन भी क्या है एक्टोडर्मल है पिट्यूटरी का ही दूसरा नाम क्या है बेटा जी पिट्यूटरी को ही क्या बोला जाता है हाइपोफाइसिस बोला जाता है तभी तो बेटा जो वेन थी जो पोर्टल वेन थी उस पोर्टल वेन का क्या नाम रखा था हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन क्योंकि पिट्यूटरी का क्या नाम है हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी को ही बोला जाता है ठीक है तो हाइपोफाइसिस इज द अदर नेम ऑफ पिट्यूटरी लेट मी गो बैक टू द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर एंडो क्राइन ग्लैंड ये स्कूल का एच ओ डी है इट इज मास्टर एंडो क्राइन ग्लैंड तुम बोलो मैम मास्टर तो टीचर को बोलते हैं मैं हूं मास्टर है ना एक तरीके से आई एम द मास्टर बट हेयर पिट्यूट्री इज कॉल्ड एज अ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड वाई बिकॉज पिट्यूट्री ही सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को सिग्नल देता है देखो पिट्यूट्री को ऊपर से मैसेज आ रहे हैं प्रिंसिपल से हाइपोथैलमस से फिर पिट्यूटरी ने आगे जाकर दूसरे ग्लैंड को क्या देना है स्टिमुलस देना है पिट्यूटरी इज वेरी वेरी स्मॉल इन साइज बड़ा है बड़ा काम करता है लेकिन छोटा बहुत है इट्स वेरी स्मॉल इन साइज इट इज एक्चुअली पी साइज क्लैंड इट इज एक्चुअली पी साइज क्लैंड एंड इट इज लोकेटेड इट इज लोकेटेड इन सेला टर्सिका सेला टर्सिका अभी सेला टर्सिका क्या है बेटा घोड़ा देखे कभी तो देखा होगा हॉर्स राइडिंग नहीं की तो देखी होगी कुछ बच्चों ने शायद हॉर्स राइडिंग की भी होगी जब हम हॉर्स राइडिंग करते हैं तो उसके ऊपर एक बैठने के लिए आसन सा होता है विच इज लिटल विट यू नो कर्व्ड आसन ठीक है साडल जिसको बोलते हैं हॉर्स पे बैठने के लिए क्या होता है साडल होता है उसके ऊपर बैठकर राइडर क्या करता है राइडिंग करता है तो पिट्यूटरी में ना एक बोन है उसमें एक ऐसी कैविटी बनी हुई है इस टाइप की जैसे सैडल होता है ठीक है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है अपना पिट्यूटरी प्रेजेंट है सो इट इज लोकेटेड लोकेटेड इन सेला टर्सिका विच इज कैविटी इन द स्फिन बोन ऑफ द स्कल सो सेला टर्सिका क्या है इट इज एक्चुअली अ कैविटी कैविटी इन स्फिनोइड बोन स्फिनॉइड बोन इट्स अ ए सैडल, ठीक है टर्किश सैडल की तरह इसकी शेप होती है इसीलिए इसको क्या बोला जाता है इट इज लोकेटेड इन अभी जो पिट्यूट्री है जिसका दूसरा नाम क्या रखा हुआ है हमने हाइपोफाइसिस हाइपोफाइसिस दिस हाइपोफाइसिस इज डिवाइडेड इन टू टू पार्टस वन इज कॉल्ड एज एडीनो हाइपोफाइसिस एडीनो

पार्स डिस्टालिस हमारी क्लास में पारस भी होगा कोई ना कोई जरूर आई एम श्योर इतनी बड़ी हमारी क्लास है तो इसमें हो सकता है कोई ना कोई पारस भी हो तो पारस नहीं है इट इज पार्स क्या है पार्स डिस्टालिस एंड पार्स मीडिया पार्स मीडिया ठीक है न्यूरोहाइपोफाइसिस में कौन आ रहा है पार्स नरवोसा हाँ जी इन तीनों का मतलब मैं तुम्हें तो बताती हूँ देखिए पार्स डिस्टालिस इज द अदर नेम ऑफ एंटीरियर पिट्यूट्री

ये नर्वोसा एक ऐसा लोब है जहां पर न्यूरॉन खुद उठ के आएगा यस प्लीज पे अटेंशन पोस्टीरियर लोब ध्यान से देखो यहां पे जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल है उसको खुद उठ के आना पड़ रहा है नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन खुद आ रहा है पोस्टीरियर लोब तक अपनी सिक्रेशन को भेजने के लिए इसीलिए ये डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर है ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स दैट इज वाई दिस पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी इज कॉल्ड एज pars nervosa मतलब समझ आया तो ये हो जाएगा आपका pars distalis ये छोटा सा हो जाएगा pars media ये क्या है pars nervosa ठीक दिस इज एक्चुअली pars nervosa ओके गाइस तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ द लोब्स व्हिच आर प्रेजेंट इन पिट्यूटरी देन हर जगह से अलग टाइप का हार्मोन आता है लिस्ट ऑफ द हार्मोन्स मैंने यहाँ लिखी भी होगी ये देखिए प्लीज पे अटेंशन हाँ जी एंटीरियर पिट्यूटरी बेटा वो हार्मोन रिलीज करता है जो किसी ना किसी टारगेट तक जाएंगे so anterior pituitary के वो हार्मोन बेटा जो अदर एंडोक्राइन को स्टिमुलेट करते हैं, these are called as tropic hormones. Anterior pituitary में से कौन आते हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स आते हैं जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं जैसे एग्जाम्पल देखिए टी एस एच स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसने रिलीज किया पिट्यूटरी ने रिलीज किया इसने किसको स्टिमुलेट किया थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट किया एसीटीएच एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन किसने रिलीज किया पिट्यूटरी ने इसने स्टिमुलेट किसको किया एड्रीनल कॉर्टेक्स को एफएसएच एलएच किसने रिलीज किए पिट्यूटरी ने इन्होंने स्टिमुलेस किया स्टिमुलेट किसको किया टेस्टिस एंड ओवरीज को ठीक है तो आपकी बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है इनको स्टिमुलस कहां से मिलता है की से pitutri, बेटा को भी स्टिमुलेट कर रहा है लेकिन अपने पिट्यूट्री को कौन कंट्रोल कर रहा है पिट्यूट्री को कौन कंट्रोल कर रहा है बेटा हाइपोथल यस पिट्यूटरी yes? को कौन कंट्रोल कर रहा है बेटा जी हाइपोथैलमस ठीक है हाँ जी तो ये बात हो गई हॉर्मोन्स रिलीज बाय द पिट्यूटरी ये इनका डिटेल वैसे तो बेटा बड़े सारे हॉर्मोन्स हैं इनका डिटेल हम कवर करेंगे कल की क्लास में ठीक है इन टमोरोज क्लास वी आर गोइंग टू कवर द डिटेल ऑफ ऑल दीज हॉर्मोन्स मैं ये सारी पीडीएफ आपको भेज दूंगी टेलीग्राम पे वहाँ पर जुड़े रहना मेरे साथ और ये 4:30 वाली क्लास लगाना बहुत जरूरी है मैं इसीलिए ऑफ कर रही हूँ ताकि आपके पास तकरीबन 20 मिनट बच जाएं रिलैक्स होने के लिए 20 मिनट बच जाएं बेटा आ, क्योंकि ये क्लास अच्छी होने वाली है कॉपी पेन लेके आना एनर्जी चाहिए खा पी लेना मैं भी अभी लंच करूंगी आई हैव नॉट हैड लंच लंच आई आई विल विल हैव एंड देन कम एट हैर्टी इन दिस क्लास सो मेक श्योर योर एनरोलिंग मैं सारे एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल किंगडम कराने वाली हूँ इस वाली क्लास में बाकी बेटा ये क्लास मेरी प्रोफाइल पे होगी प्रोफाइल पे मुझे फॉलो भी कर लेना जब तक मैं आऊंगी तब तक फॉलो कर लेना एंड कोड लगा देना सीप लाइव टू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड ठीक है गेट योरसेल्फ एनरोल्ड बाकी मेरा कल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज जोश बैच जोश बैच कल से 15 से कौन सा बैच स्टार्ट हो रहा है निشته बैच तो दोनों में एनरोल कर लो सब्सक्रिप्शन ले लो क्योंकि प्राइस हाइक होने वाला है कोड ले लेना ओल्ड प्राइस के लिए दैट इज सीप लाइव ठीक है एनरोल कर लीजिए और भी बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं लाइक चैंपियंस कमिंग कमिंग जोश बैच का नाम तुम बता ही दिया इज टूमो ठीक है और स्पेशल प्राइस ऑफर चल रहा है कि अभी सिक्स मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वन मंथ फ्री एटीन मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो टू मंथ्स फ्री इट इज बेस्ट कि आप इन दोनों में से राधर एटीन मंथ्स वाला चूज करें अगर आप 2023 हैं कोड क्या लगाएंगे सी प्लाइव लगाएंगे फॉर दिस ऑफर बाकी अन अकेडमी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट इज कमिंग एंड इट इज ऑन ट्वेल्थ ऑफ डिसंबर दो बजे हो रहा है टेस्ट जरूर देना क्योंकि उसमें मैकबुक एमेजोन एको आईपैड आईफोन सब प्राइजेज हैं और अमेजिंग अमेजिंग स्कॉलरशिप है जिसमें आपको फ्री प्लस और आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन मिलने वाली है वैसे प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोग ऐप में जाइए ड्यूरेशन चूज कीजिए आइकॉनिक लेंगे तो उसमें आपको मेंटोरशिप स्टडी प्लानर मटेरियल टेस्ट के एनालिसिस ये सारी चीज़ें मिलेंगी ड्यूरेशन चूज करना एंड पुराने प्राइसेस और ऑफर्स के लिए मैम की टीचिंग पसंद हो तो ये कोड लगा देना इससे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के सेशंस दिखते हैं बच्चे सोचते हैं मैम सीप लाइफ से सिर्फ क्या सीप मैम के सेशन नहीं बेटा ऑल बायोलॉजी ऑल 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 टीचर्स फिजिक्स केमिस्ट्री बैचेस एवरीथिंग वुड बी विजिबल ठीक है नाउ आई विल सी यू एट फोर थर्टी ठीक है इस क्लास में कोड तुम्हें पता ही है मस्ट अटेंड क्लास है तुम भूलोगे नहीं इस क्लास को ये मेरी गारंटी है सारे एग्जाम्पल्स विद ट्रिक्स टुडे एट 4:30, ठीक है अच्छे से खाना खा लो मिलते हैं चलिए ओके गाइस बाय बाय